नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्ज़ाम के करंट अफेयर शो के 31वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर एक, फेसलेस असेसमेंट स्कीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयकर के मूल्यांकनकर्ताओं के लिए अनुपालन बोझ कम करने और ईमानदार करदाता को पुरस्कृत करने के लिए कल एक नया मंच लॉन्च किया, जिसका नाम है फेसलेस असेसमेंट स्कीम। फेसलेस असेसमेंट स्कीम का उद्देश्य करदाता और आयकर विभाग के बीच मानवीय इंटरफेस को ख़त्म करना है, केवल डेटा एनालिटिक्स और AI का उपयोग करके। तो इस स्कीम के कुछ अहम बिंदु इस प्रकार हैं। डेटा एनालिटिक्स और AI का उपयोग करके सिस्टम के माध्यम से करदाता का चयन होगा। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का उन्मूलन, जिसका अर्थ है कि एक करदाता एक शहर से संबंधित हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर द्वारा यादृच्छिक चयन के माध्यम से ITR का आकलन किसी अन्य शहर में किया जा सकेगा। मामलों का स्वचालित यादृच्छिक आवंटन भी होगा। दस्तावेज पहचान संख्या यानी कि DNI के साथ नोटिस जारी किया जाएगा। कोई भौतिक इंटरफेस और आयकर कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। टीम आधारित आकलन और टीम आधारित समीक्षा भी की जाएगी। एक शहर में मसौदा मूल्यांकन आदेश, दूसरे शहर में समीक्षा और तीसरे शहर में अंतिम रूप देना जैसे कार्य भी किए जाएंगे। नंबर दो, स्वास्थ्य मंत्रालय के टेलीमेडिसिन सेवा प्लेटफॉर्म ई संजीवनी OPD पर 1.5 लाख टेली परामर्श पूरे हुए। नवंबर 2019 में लॉन्च होने के बाद से कुछ ही समय में ई संजीवनी और ई संजीवनी OPD द्वारा टेली परामर्श को 23 राज्यों द्वारा लागू किया गया है और अन्य राज्य इसे रोल आउट करने की प्रक्रिया में हैं। ई संजीवनी एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है जो टेली परामर्श प्रदान करती है और रोगी को अपने घर से ही डॉक्टर परामर्श के लिए सुविधा प्रदान करती है। इस ई संजीवनी प्लेटफॉर्म ने दो प्रकार की टेलीमेडिसिन सेवाओं को सक्षम किया है, डॉक्टर टू डॉक्टर और रोगी टू डॉक्टर। टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म 40 से अधिक ऑनलाइन OPD की मेज़बानी कर रहा है। इनमें से आधे से अधिक विशेष OPD हैं, जिनमें एड्स, HIV रोगियों, गैर संचारी रोग आदि के लिए स्त्री रोग, मनोचिकित्सा, त्वचा विज्ञान, ENT, नेत्र विज्ञान, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी आदि शामिल हैं। नंबर तीन, PM मोदी ने कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के तहत वित्त पोषण की एक नई केंद्रीय योजना शुरू की, जिसका बजट तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा है। यह कटाई उपरांत प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए निवेश के लिए ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी की सुविधा प्रदान करता है। यह योजना किसानों, प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी यानी कि PACS, किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO, कृषि उद्यमियों आदि को सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों और फसल उपरांत कृषि अवसंरचना के निर्माण में सहायता करेगी। यह किसानों को उनकी उपज का अधिक मूल्य दिलाने में लाभकारी साबित होगी। वे उच्च कीमतों पर स्टोर करने और बेचने, अपव्यय को कम करने और प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन को बढ़ाने में सक्षम होंगे। योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से 2029 यानी कि 10 वर्ष की होगी। योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे। नंबर चार, भारत ने चीन, जापान, कोरिया, ताइवान और वियतनाम से आने वाले डिजिटल प्रिंटिंग प्लेट पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। घरेलू निर्माताओं को इन देशों से होने वाले सस्ते आयात से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। नंबर पाँच, IIT खड़गपुर के अनुसंधानकर्ताओं के एक समूह को धूप में सूखने के लिए डाले गए गीले कपड़े से बिजली पैदा करने के एक तंत्र विकसित करने के लिए गांधीयन
यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 3 जुलाई, 5 अगस्त, 9 अगस्त या 10 दिसंबर। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था कि हर साल विश्व जैव ईंधन दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10 अगस्त। आप में से उन लोगों को बधाई जिन्हें सही उत्तर मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहे और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।